मम्मा आज हम खाने में क्या बनाने वाले? लौकी की सब्जी। Ew! Why, mommy? What did I do wrong? Oh, sorry, बेटा, आज लौकी की सब्जी नहीं, हम शाही कोफ्ते बनाएंगे। Wow, that looks so nice, and I am sure it will also taste yummy. So, अगर आपके यहाँ भी यही हाल है, तो हमारी लौकी की तरफ से एक करारा जवाब देने के लिए हम बनाएंगे लौकी के कोफ्ते। So, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और आइए बनाते हैं लौकी के कोफ्ते। क्योंकि लौकी का अपना बहुत सारा पानी होता है, हम उसे स्ट्रेन कर लेंगे। इस तरह से किसी भी कॉटन या मस्टर्ड क्लॉथ में आप उसे स्ट्रेन कर ले। सारा एक्सेस वाटर हम निकाल लेंगे ताकि कोफ्ते बनाने में हमें आसानी हो। देखिए, सारा एक्सेस वाटर निकल चुका है और अब हम इसमें ऐड करेंगे सारे मसाले। मैंने यहाँ ऐड किया है हल्दी, धनिया जीरा पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, अजवाइन, जिससे हमारे कोफ्तों में बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा, रोस्टेड क्यूमिन पाउडर। मैंने जिंजर गार्लिक और चिली साथ में क्रश कर ली है और वो मैंने हाफ टी स्पून यहाँ ऐड किया है। नाउ आई एम एडिंग फाइनली चॉप्ड अनियंस और बेसन। मैंने यहाँ 6-7 टेबल स्पून बेसन लिया है। बहुत ज़्यादा बेसन नहीं ऐड करना है, अदरवाइज आपके कोफ्ते काफ़ी कड़क बनेंगे। सो दिस इज़ वन टिप आई वुड लाइक टू गिव यू, आप कोफ्ते बनाते वक्त बहुत ज़्यादा बेसन ना ऐड करें। So that हमारे कोफ्ते काफ़ी सॉफ्ट और यमी बनेंगे। एंड the अदर टिप is, आप सॉल्ट हमेशा एंड में ऐड करें, जिससे पानी छूट सकता है। आफ्टर वी एड द सॉल्ट हम जल्दी से कोफ्ते बनाने लेंगे। मैंने हाथ अभी थोड़ा सा ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है और अब आपको जैसा शेप चाहिए, थोड़े बड़े छोटे, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आप कोफ्ते बना लें। चलिए, कोफ्ते बन चुके हैं और अब हम उसे फ्राई करने लेंगे। कोफ्ते फ्राई करते वक्त आप उन्हें कम आंच पे ही फ्राई करें, सो दैट वो अंदर तक अच्छे से पक जाएं। देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। सो अब हमारे कोफ्ते रेडी हैं। Now let's start making our curry. मैंने पैन में ऑयल ले लिया है और उसमें मैंने ऐड किया है जीरा, अनियन पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसे अच्छे से सौते कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे मैंने इन सब को अच्छे से सौते कर लिया है। देखिए अभी साइड से ऑयल छूटने लगा है और इसमें मैं अब ऐड करूंगी क्रश जिंजर गार्लिक और चिलीज। सब अच्छे से भून ले। एंड नाउ इट्स टाइम टू ऐड आवर टमेटो प्यूरे। मैंने 3-4 मीडियम साइज टमेटोज लिए हैं। इसे भी हम अच्छे से सौते कर लेंगे। आफ्टर 3-4 मिनट्स सब अच्छे से भून चुका है। सो नाउ आई एम एडिंग रेस्ट ऑफ द मसालास। थोड़ी सी हल्दी, रेड चिली पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, सम ग्रीन चिलीज, कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे बहुत बढ़िया कलर आएगा हमारी ग्रेवी में, ये ज़्यादा तेज नहीं होती है, और सॉल्ट एज पर टेस्ट। सब अच्छे से मिक्स कर लें।
और 2 मिनट के लिए हम सारे मसालों के साथ इसे मीडियम आंच पे पकने देंगे। और अब मैंने बगार में थोड़ा हरा धनिया ऐड किया है, जिसे काफ़ी बढ़िया फ्रेगनेंस और टेस्ट आता है हमारी करी में। एंड नाउ आई एम एडिंग हॉट वाटर टू अवर करी। आप हमेशा गर्म पानी ही ऐड करें, जिससे हमारी करी सही कंसिस्टेंसी पे बनती है। आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको थिक ग्रेवी चाहिए तो आप उसमें कम पानी ऐड करें। बस इतना याद रखिएगा, कोफ्ते ऐड करने के बाद वो काफ़ी पानी सोख लेंगे, सो थोड़ा पानी होना ज़रूरी है। नाउ इट्स टाइम टू ऐड अवर कोफ्ते एंड एट द एंड आई एम एडिंग लिटिल गरम मसाला। अब इसे और 2 मिनट अच्छे से पकने दे, सो दैट ये सब एक साथ हो जाए। देखिए, हमारी यमी कोफ्ता करी रेडी है। अब हम इसे गार्निश करेंगे विद लिटिल हरा धनिया। और बस आप इसे गरम गरम सर्व कीजिए विद फुलका और राइस। इट गोज रियली वेल। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ज़रूर गिव इट अ ट्राई और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। टिल देन, बी काइंड एंड स्टे सेफ। Thank you.